हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिसीजन थ्योरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ ट्रांसपोर्ट डीलर हायर ट्रक्स ऑन रेंटल बेसिस। हायर करना मींस रेंट पे लेना। The probability of the demand of trucks on any day is as follows. Number of trucks 0, 1, 2, 3, 4 और उसकी probability दी हुई है। The transport dealer has to pay a fixed rent of rupees 90 for each day per each truck and he charged 200 rupees per truck per day. How many trucks should he hire Delhi? अब उसके लिए हमें EMV कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। अब सिंपल सा है कि एक ट्रांसपोर्ट डीलर है, वो ट्रक हायर कर रहा है। सो वो ट्रक जो हायर कर रहा है वो 90 रुपीज़ में हायर कर रहा है, मीन्स ये उसका कॉस्ट हो गया। और 200 रुपीज़ में किसी दूसरे को दे रहा है। सो 200 में हायर कर रहा है, 90 रुपीज़ उसका कॉस्ट है, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 110, ठीक है। और अगर ट्रक उसका रेंट पर नहीं गया तो 90 रुपीज़ लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसको जो पर्सन दे रहा है वो तो इससे चार्ज करेगा 90 रुपीज़। सो सिंपल सा समझो, एक मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए क्या करता है, आगे से ट्रक्स 90 रुपीज़ में लेता है, एक दिन का 90 रुपीस रेंटल चार्जेस पे करता है। और मिस्टर ए जिनको देता है ना, उनसे 200 रुपीस चार्ज करता है। सो मिस्टर ए का प्रॉफिट हुआ 110, बट इसने आज समझो चार ट्रक मंगवा लिए और सामने कोई लेने ही नहीं आया, तो पर ट्रक 90 रुपीस का लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे से 90 रुपीस में ट्रक ले रहा है, 200 में देता है, रेंट का काम करता है। सो 90 रुपीस में लेकर 200 में देगा तो 110 रुपीस का प्रॉफिट होगा। बट आगे से 90 रुपीस में ट्रक मंगवा लिया और 200 में लेने कोई आया ही नहीं, तो 90 रुपीस उसको तो पे करना पड़ेगा। अब आप ये नंबर्स पर मत जाना कि 90 रुपीज़ में सर ट्रक कैसे मिलेगा, आज तो ऑटो भी नहीं मिलता है। नंबर्स पर मत जाना, ये बहुत पुराने नंबर्स हैं, समझो 20-30 साल पुराने नंबर्स होंगे ये। एनीवे हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड 0, 1, 2, 3, 4 जो बुक में दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4। प्रॉबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2, टोटल 1। अब जैसे हमने डिमांड रखी वैसे ही सप्लाई लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4। जितने डिमांड में वैल्यूज़ हैं उतनी ही सप्लाई में वैल्यूज़ रखनी है। डिमांड में है 0, 1, 2, 3, 4, सप्लाई में भी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नाउ हर एक में xi एंड xi इंटू pxi कॉलम्स बनाने हैं, जैसा हमने लास्ट सम में किया था। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स देखो तो सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखना, अगर सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएंगे। सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। अब आइए समझते हैं पॉइंट को। आज इसके पास सप्लाई या समझो अवेलेबिलिटी, 0 ट्रक्स अवेलेबल हैं, यानी आज इसने खुद ने ही एक भी ट्रक नहीं लिया और सामने 0 कस्टमर आ गया, तो 0 प्रॉफिट। फिर से 0 ट्रक अवेलेबल हैं, एक कस्टमर आ गया, क्या करेंगे, वापस करना पड़ेगा कस्टमर को, 0 प्रॉफिट। 0 ट्रक है और 2 कस्टमर्स आ गए, रिटर्न करना पड़ेगा, दोनों के दोनों कस्टमर्स वापस जाएंगे, सो प्रॉफिट 0। xi इंटू pxi भी 0 और उसका टोटल भी 0। नाउ 1, अब सप्लाई 1 है, सप्लाई 1 है यानी इसने एक ट्रक आज हायर कर लिया है, इसके पास अवेलेबल पड़ा है, लेकिन पूरे दिन में 0 कस्टमर आया, कोई आया ही नहीं इसके पास ट्रक लेने के लिए, तो इसका लॉस हो गया,
90 रुपीज़, -90 लिखेंगे। देन एक ट्रक अवेलेबल है और एक ट्रक का कस्टमर आया है। अब एक ट्रक ही इसने लिया था और एक का ही कस्टमर आ गया, 110 का प्रॉफिट, ठीक है, 90 में लिया, 200 में दे दिया। अब आज इसने एक ट्रक अवेलेबल है इसके पास और टू कस्टमर्स आ गए, तो एक को ट्रक दे देगा, एक कस्टमर वापस चला जाएगा, फिर भी 110 प्रॉफिट। एक ट्रक अवेलेबल है, तीन कस्टमर्स आ गए, थ्री कस्टमर्स हैं, सो एक कस्टमर को ट्रक दे देगा, बाकी दो कस्टमर वापस जाएंगे, फिर भी 110 प्रॉफिट। एंड फोर में भी ऐसा ही करेंगे। नाउ XI इंटू PXI और टोटल उसका 90। XI को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 90 इंटू 0.10 तो -9, 110 इंटू 0.2 22, 110 इंटू 0.3 33, 110 इंटू 0.2 22 एंड 110 इंटू 0.2 22 और टोटल कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब टू ट्रक्स अवेलेबल हैं, सो टू ट्रक्स अवेलेबल हैं और सामने जीरो कस्टमर आया, कोई कस्टमर पूरे दिन आया ही नहीं, ऐसा भी होता है। टू ट्रक्स इसने आगे से मंगवा के रखे, एक भी कस्टमर, जीरो कस्टमर लेने आए, एक भी कस्टमर आया नहीं, जीरो कस्टमर। सो 90 रुपीज पर ट्रक, टू ट्रक्स का 180 रुपीज लॉस हो गया। देन टू ट्रक्स अवेलेबल हैं और वन कस्टमर आ रहा है। अब टू ट्रक्स अवेलेबल हैं, एक कस्टमर आया, तो एक कस्टमर में से प्रॉफिट कितना होगा, 110। बट एक ट्रक अनयूज्ड पड़ा रहा, तो अनयूज्ड ट्रक का लॉस कितना हुआ, 90। सो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज। तो टू ट्रक्स अवेलेबल हैं, एक कस्टमर आया, 20 रुपीज प्रॉफिट। फिर से टू ट्रक्स हैं और टू कस्टमर्स आ गए, दोनों ट्रक दे दिए, पर ट्रक 110, 220 का प्रॉफिट। टू ट्रक्स अवेलेबल हैं, थ्री कस्टमर्स आ गए, थ्री कस्टमर्स की डिमांड आ गई, सो टू ट्रक्स टू कस्टमर्स को दे देंगे, एक कस्टमर वापस चला जाएगा, टू ट्रक्स पर 220 रुपीज प्रॉफिट। टू ट्रक्स अवेलेबल हैं, फोर कस्टमर्स आ गए, तो टू कस्टमर्स को टू ट्रक्स दे देंगे, बाकी के टू ट्रक कस्टमर्स वापस जाएंगे, 220 का प्रॉफिट। एंड देन XI इंटू PXI 140। नाउ थर्ड, अब ये थर्ड में आपको करवा रहा हूं और फोर्थ वाला कॉलम में आपको होमवर्क में दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद ट्राई करो और देखो कैसे आया। जिस मेथड से मैं ये थर्ड बता रहा हूं, थर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलिए। नाउ थ्री ट्रक्स अवेलेबल हैं और जीरो कस्टमर आया, सो थ्री इंटू 90 रुपीज टोटल 270 का लॉस हो गया। फिर से बता रहा हूँ, पर ट्रक 90 रुपीज का लॉस है, थ्री ट्रक्स अवेलेबल हैं, एक भी कस्टमर आया नहीं, 270 का लॉस। अब थ्री ट्रक्स अवेलेबल हैं और वन कस्टमर आया है, तो जो वन कस्टमर आया है उस पर प्रॉफिट होगा, पर ट्रक 110। और जो टू ट्रक्स हमारे पास तो अवेलेबल थे, ऐसे ही पड़े रहे, 90 रुपीज पर ट्रक, टू ट्रक्स पर 180 का लॉस हो गया। सो 180 का लॉस, 110 का प्रॉफिट, सो नेट 70 रुपीज का लॉस यहां पर लिखेंगे। देन थ्री ट्रक्स अवेलेबल हैं और टू कस्टमर्स आए लेने के लिए, सो टू कस्टमर्स लेने के लिए आए, टू कस्टमर्स की डिमांड है, पर कस्टमर 110 का प्रॉफिट होगा, सो 220 प्रॉफिट। और एक ट्रक अनयूज्ड पड़ा रहा, 90 रुपीज का लॉस,
सो 220 माइनस 90, तो ये आंसर आ गया 130. सो 130 रुपीस का नेट प्रॉफिट. थ्री ट्रक्स हैं, थ्री कस्टमर्स आ गए, तीनों ट्रक्स चले गए, पर ट्रक 110 का प्रॉफिट, थ्री ट्रक्स 330 का प्रॉफिट. थ्री ट्रक्स अवेलेबल हैं, फोर कस्टमर्स आ गए, थ्री कस्टमर्स को ट्रक दे देंगे, फोर्थ कस्टमर वापस चला जाएगा. थ्री ट्रक्स पर ट्रक 110, 330 का प्रॉफिट. नाउ इस XI को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा XI इंटू PXI एंड टोटल विल बी 130. एंड सेम ये जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ उसी मेथड से आप फोर ट्रक्स की अवेलेबिलिटी और डिमांड के साथ करोगे तो इसका आ रहा है 80. अब हमें इसमें देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस में हो रहा है. अगर वो ज़ीरो ट्रक रख रहा है तो ज़ीरो प्रॉफिट, 90, 140, 130 एंड 80. सो हाईएस्ट वैल्यू है ये 140. तो कंक्लूजन लिखेंगे कि टू ट्रक्स शुड बी हायर्ड डेली फॉर मैक्सिमम EMV 140. सो टू ट्रक्स हायर करने चाहिए डेली पर डे फॉर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 140. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये फोर्थ की XI की वैल्यूज आप खुद ट्राई करोगे और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम कंप्लीट हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ.